नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अनिल कुमार राम और आज मैं लेकर आया हूं एक वीडियो जो बुजुर्गों को जैसे गर्दन में दर्द हो जाता है नेक में और भारी भारीपन लगता है, तो वो होता इसलिए है क्योंकि हम जब यंग होते हैं, जवान होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और जैसे बुजुर्ग हो गए, एज हो गया, रिटायर हो गए, तो हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए कि अब कुछ नहीं करना है, अब तो हो गया जो करना है। लेकिन मेन है एक्सरसाइज, आपको जब आप रिटायर हो गए, जब आप कोई काम नहीं है तभी आपको करना चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और अच्छी डाइट होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा घंटा होगा उसको भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये हॉल है, दूसरा बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका ब्रीद इन ब्रीद आउट का साउंड आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। बट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको करना क्या है, जो भी बुजुर्ग हैं पहले ऐसे चेयर पर बैठ जाए, मैं भी एक बैठा हुआ हूँ चेयर पर, बैठ गए और स्लोली गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, रिलैक्स, पूरा छोड़ देंगे उसको, फिर आराम से रिलैक्स, पूरा रिलैक्स कर देंगे, छोड़ देंगे ऐसे स्लो, जिधर ले जा रहे हैं उधर ले जाकर 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, नाउ चेंज, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 10 बैक 10 फ्रंट, ऐसे करके करना है। नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद हमें क्या करना है, साइड ऐसे 1 2 3 4 5, नाउ चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, ऐसे करके सेम इधर 10 इधर 10, स्लो, ज़्यादा दर्द हो पेन हो स्लो स्लो, जितना जाता है इतना गया इतना ही, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती का प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकता है। अब दूसरा नेक्स्ट स्टेप है स्लो, 1 2 3 4 5, चेंज, स्लो, 1 2 3 4 5, ऐसे करके इसको भी 10 करना है। नेक्स्ट हमारा है, ऐसे हमको डाउन करना है, 1 2 3, मीन्स हाफ फ्रंट के साइड में, सामने के साइड में हाफ 10 टाइम, नाउ बैक 1 2 3 4 5, समझ में आया। अभी वैसे ही हमें करना है, पूरा रोल करना है, पहले लेफ्ट फिर राइट, यहाँ से हम किए स्लो, लेकिन फास्ट नहीं, हड़बड़ी कुछ नहीं है, आराम से करें, स्लो 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 स्लो, गुड, ऐसे करके 10, अब इसका रिवर्स, ऐसे करके 10। तो ये था आज का एक्सरसाइज, आपके काम का हो और आपके दोस्तों का अगर काम का हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके, क्योंकि मैंने इसको आजमाया है, कुछ लोगों पर ये फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर गर्दन में अकड़न बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह ज़्यादा ले लें, क्योंकि हम लोगों से अच्छा डॉक्टर बॉडी के पार्ट के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो डॉक्टर दिखा दें। डॉक्टर अगर एक्सरसाइज बताएंगे तो ज़्यादातर मैंने देखा है, जो क्योंकि मैंने भी सलाह लिया तो डॉक्टर ज़्यादातर ऐसे करके एक्सरसाइज बताते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।